अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में कई अफवाहों पर खुलासा किया है। उन्होंने अभिनेता ऋतिक रोशन को लेकर के भी दिलचस्प खुलासा किया है। देखिए इंडिया न्यूज से खास बातचीत में श्रद्धा कपूर ने और क्या कुछ कहा है। जो शख्सियत हमारे साथ है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन क्योंकि परंपरा है इंट्रोडक्शन की, तो आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं श्रद्धा कपूर से। साल 2010 में फिल्म तीन पत्ती से अपना डेब्यू करने वाली और 2013 में आई आशिकी 2 से अपनी पहचान बनाने वाली श्रद्धा कपूर इस वक्त हमारे साथ हैं। अब तक श्रद्धा 23 फिल्में कर चुकी हैं और कंटिन्यू है इनका करियर। श्रद्धा, बहुत से किस्से हैं आपके बारे में, तो वन उन किस्सों पर बात करते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है। आप आपने जब कहो ना प्यार है मूवी देखी तो आपको ह्यूज क्रश हो गया ऋतिक रोशन पे, इतना हो गया कि आपने उनकी फोटोज को इकट्ठा करके अपने घर में लगाया, क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है। उनके जो स्लैम बुक्स है, पोस्टर्स थे मेरे कमरे की दीवारों पर, तो बहुत बड़ी फैन रही हूँ एंड आई स्टिल एम हिज फैन। श्रद्धा, आपका एक और अफवाह है कि आपको जूते इकट्ठा करने का बहुत शौक है। आपने एक फिल्म हसीना पारकर की थी, आप रियल लाइफ में बहुत चहकती हैं, बहुत हंसती रहती हैं, अभी भी हम देख रहे हैं योर कंटिन्यू स्माइलिंग। कैसे वो इतने सीरियस कैरेक्टर में आपने अपने आप को ढाला, क्योंकि उस फिल्म में ना ज़्यादा बोलना था ना ज़्यादा हंसना था, और पान भी आपने कंटिन्यू खाया? एक्चुअली मतलब मैं एक्टर हूँ तो यू नो आई हैव टू मेक माई सेल्फ अ पार्ट ऑफ द रोल्स दैट आई प्ले, एंड बस वही कोशिश किया।